हैप्पी नवरात्रि दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सुरभि व्योम किचन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सिंघाड़े के आटे का हलवा, जिसे कि व्रत में खाया जाता है। तो यदि आप व्रत में कुछ मीठा खाना चाहते हैं तो आप सिंघाड़े के आटे का हलवा बना के खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। सिंघाड़ा हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो वैसे तो हम इसे नहीं खा पाते, तो इसे व्रत में हमें ज़रूर खाना चाहिए और ये ज़रूर आप बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे बनाना अब हम शुरू करते हैं। तो हलवा बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए सिंघाड़े का आटा और उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे चीनी। तो यहाँ पे देखिए, एक कटोरी मैंने जो है आटा लिया है और एक कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे लिया है चीनी, और थोड़ा सा यहाँ पे हम ले लेंगे देसी घी और साथ में लेंगे हम थोड़ी सी इलायची दाना पाउडर। तो ये छोटी इलायची है, उसका मैंने दाना निकाल के उसे पीस लिया था, बारीक कर लिया था, उसे ही हम यूज करेंगे। और साथ में मैंने ले लिया है बादाम कटे हुए, और साथ में एक गिलास हम पानी भी ले लेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, गैस पे चढ़ा देंगे एक बर्तन, कोई भी गहरे तले का बर्तन हम लेंगे, क्योंकि हम जो चीनी और पानी है उसको यहाँ पे मिक्स करेंगे गरम करके। तो बर्तन में हम क्या करेंगे, जो भी हमने एक गिलास पानी रखा था उसे डाल देंगे, और साथ में यहाँ पे हम चीनी भी डाल देंगे। और इसे हमें कोई चाशनी नहीं बनाना है, बस यहाँ पे चीनी और पानी को मिक्स कर देना है, इतना ही इसे पकाना है। तो यहाँ पे इसे चलाते हुए 1 से 2 मिनट लगते हैं, ये चीनी यहाँ पे बहुत ही जल्दी से घुल जाती है। तो बस यहाँ पे चीनी हमारी घुल जाए, इतना ही इसे पकाना है। तो यहाँ पे देखिए, चीनी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे घुल चुकी है इसमें। तो जो हमने इलायची दाना पाउडर रखा था उसे भी हम यहीं पे डाल देंगे, क्योंकि हलवा में हम इन सभी चीज़ों को डालने वाले हैं। तो यहाँ पर ही हम इलायची दाना पाउडर डाल देंगे, तो ये हलवा में भी बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसमें इसका फ्लेवर आ जाएगा। तो चलिए, अब ये भी मिक्स हो चुका है, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसके बाद हम चढ़ाएंगे गैस पर कढ़ाई। तो इसी कढ़ाई में हम जो है हलवा बनाने वाले हैं। यदि आप किसी पैन में बनाना चाहते हो तो उसमें भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 1 से 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। तो यहाँ पर जो भी हमने बादाम काट के रखा था उसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसे भून के यूज करते हैं तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसे कच्चा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से भून के डालिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यदि आप कोई और भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे डालना चाहते हो, जैसे कि काजू या किशमिश, तो उसे भी साथ ही में यहाँ पर हल्का सा रोस्ट कर लें, उसके बाद उसे यूज करें। तो यहाँ पर देखिए, हमारा बादाम भून चुका है, तो उसे निकाल देंगे और उसके बाद हम फिर से थोड़ा सा देसी घी जो रखे थे उसे डाल देंगे, और उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे सिंघाड़े का आटा, क्योंकि इसे हमें भूनना है, तो इसे हम डाल देते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सामने लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए, घी थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैं यहाँ पे फिर से थोड़ी सी घी डाल देती हूँ, और उसके बाद यहाँ फिर से हम इसे चलाते हुए थोड़े देर के लिए भून लेंगे, जब तक कि इसमें अच्छा सा सुनहरा सा कलर ना आ जाए। तो बस यहाँ पे चलाते हुए यहाँ पे देखिए, मैंने भून लिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने घी थोड़ा सा और डाल दिया था, थोड़ा सा मुझे और कम लग रहा था, तो 1 से 2 चम्मच मैंने और डाला था। और यहाँ पर देखिए, हमारा आटा जो अच्छे से भून चुका है, क्योंकि इसमें बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो इतना ही हमें इसे भूनना है, और उसके बाद जो भी हमने पानी, तो यहाँ पे देखिए, जो भी हमने चीनी और पानी का घोल बना के रखा था उसे हम थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे हलवा में डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, इस तरह से थोड़ा सा डालेंगे और इसे चला देंगे, और फिर से हम थोड़ा सा डालेंगे और इसे चला देंगे। इसी तरीके से हम 2 से 3 बार में यहाँ पे सारे पानी को डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए, लास्ट में मैंने यहाँ पर अब सारा पानी डाल दिया है, और इसके बाद इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है, बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है, इस तरह से लगातार चलाते रहना है हमें। तो बस देखिए, ऐसे चलाते रहेंगे, इससे हमारा हलवा बहुत ही बढ़िया सा बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, धीरे धीरे हमारा हलवा सूखा होने लगा है, बहुत ही बढ़िया से इस तरह से हलवा हमारा बनके तैयार होता है। तो इस तरह से यदि आप हलवा बनाते हैं अलग से चीनी और पानी का घोल डाल के, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनके तैयार होता है हलवा, तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, कितना बढ़िया हमारा हलवा बनके तैयार हो चुका है, लेकिन अभी हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाए। तो कलछी में जो भी एक्स्ट्रा था वो मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, और इसके बाद हम यहाँ से 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे ढक के छोड़ देते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे यहाँ पे ढक के छोड़ेंगे, मीडियम फ्लेम पे नहीं छोड़ेंगे, वरना ये नीचे से जल जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए, एकदम से लो फ्लेम पर हमने इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए ढक के छोड़ दिया था, और अब हमने यहाँ पर ढक्कन हटा दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पर हलवा हमारा बन के तैयार हो चुका है।
तो यदि आप भी नवरात्रि का व्रत हैं तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसे बनाना बहुत ही झटपट से बन जाता है ये। तो चलिए, हलवा बनके तैयार है, तो इसे हम एक प्लेट में सर्व कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया हलवा बनके तैयार है। तो अभी जो भी हमने बादाम यहाँ पे भून के रखा था उसे भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो बस ऊपर से इस तरह से हम डाल देंगे और उसके बाद इसे हम सर्व करेंगे, खाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये हलवा देखने में ही लग रहा है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना जो है एक्सपीरियंस ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। और प्लीज़ यदि चैनल पे पहली बार हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।